Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Today we will start another exercise of the chapter decimals, and here first is hundredths. Means see, this is the whole square. Okay, we have divided this into 10 parts, isn't? तो इसको हम tenths बोलेंगे, means इसके एक part को tenths बोलेंगे. और अब हम इसी को 100 parts करेंगे, मतलब इसको 10 parts यहाँ से फिर से lines डालेंगे तो ये 100 parts बन जाएंगे. तो 100, इसका एक part जो है that is 100ths. ओके, सी 1/10 जो होता है वो 10/100 के बराबर होता है, क्योंकि उसमें 10 parts किए गए होते हैं ना. सो वी रीड इट एज, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, 100ths और 0.01, 100ths और 0.01. ओके, सी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे 1.07 लिखेंगे, ठीक है. जो पॉइंट के इस साइड में होते हैं ना, इनको हम डायरेक्टली, जैसे हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं ना वंस, फिर अगर इसके बाद यहाँ पे कोई और होगा फिर उसका टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स. लेकिन जब डेसिमल के इस साइड से जो नंबर्स होते हैं उनको हम, उनका प्लेस वैल्यू जो होता है वो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ज़ीरो है तो इसका टेंथस है, टेंथस. ओके, 700ths, इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई और होगा तो उसको हम 1000ths बोलते हैं, ठीक है. और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे 1.07. ओके, 1.07 भी पढ़ सकते हैं या 1 and 0 700ths. ओके, 1 and 700ths पढ़ेंगे, 0 नहीं, 1 and 700ths, ठीक है. नाउ इज द एक्सरसाइज हियर, इट्स एक्सरसाइज 8B. क्वेश्चन नंबर 1 इज शेड इन टू वेज टू शो द सेम डेसिमल, 1 इज डन फॉर यू. पहला पार्ट आपको देके इसको शेड करना है, दो तरीकों से शेड करना है, एक ये और दूसरा ये. तो पहला वाला जो है दैट इज 0.29. 0.29 मींस, एक तो आपको 2/10 को शेड करना है, मीन्स अगर एक स्क्वायर है उसको हमने 10 पार्ट्स किए हैं तो 10 पार्ट्स में 2 पार्ट्स को हमें शेड करना है. और उसके बाद 900ths है ना, ये 2/10 है, यहाँ पे 900ths है ना. फिर दूसरा स्क्वायर है उसको कितने पार्ट्स किए गए हैं, 100, तो उसमें से 9 पार्ट्स को शेड करना है. तो ये है एक तरीका. दूसरा तरीका ये है, फुल स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है, उसको 100 पार्ट्स किए और उसके बाद इस पूरे पोर्शन को शेड किया, क्योंकि ये है क्या है, ये है 1/10, ये भी 1/10 है, तो हो गए 2/20 और 9 को शेड किए हो गए 0.29. इसी तरीके से अब यहाँ पे है 0.85 मीनस, हमें पहले इसको 8 पार्ट्स को शेड करना है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, और 500ths मीनस यहाँ पे 5 स्क्वायर्स को शेड करना है, 2, 3, 4, 5. अब यहाँ पे कैसे शेड करोगे आप, यहाँ पे एक तो इन फुल 8 को शेड करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, और फिर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है. और सी पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है. इसमें आपको क्या करना है, पहले एक फुल स्क्वायर को शेड करना है, फिर 40 मीन्स यहाँ पे 4 को शेड करना है, 4 पार्ट्स को, फिर उसके बाद 4 यहाँ पे, 4 फिर यहाँ पे, ऐसे करना है, ठीक है. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 2. अब है क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स एक्सप्रेस यूजिंग डेसिमल. सी, इसको 100 पार्ट्स किए गए, 100 में से 3 पार्ट्स को शेड किया गया है, तो इसको डेसिमल क्या आएगा, 0.03 या 0.300ths, ठीक है. बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है एक फुल स्क्वायर को शेड किया गया है और इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये है 1.07,
ठीक है. क्वेश्चन नंबर थ्री जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री इज राइट द डेसिमल्स इन वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर थ्री ए पार्ट 0.06, इसको हमें क्या लिखना है, वर्ड्स में लिखना है. इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थ्री में राइट द डेसिमल्स इन वर्ड्स. पहला पार्ट है 0.06, तो इसको हम लिखेंगे 0 and 600 या 0.06, है ना. उसके बाद बी पार्ट आप खुद करोगे, सी पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी. सी पार्ट क्या है, 1.02. सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, 1 and 2 hundredths, isn't it? और एक तरीका है 1.02. ओके, एंड डी पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर फोर इज 0.0, कंप्लीट द पैटर्न 0.09 0.10 0.11 0.8. उसके बाद क्या आएगा, 0.13 0.14 0.15, इसी तरीके से. तो ये भी आप खुद करोगे, इट्स सो इजी. देन इज क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट एज डेसिमल्स यूज अ प्लेस वैल्यू चार्ट. मैंने आपको अभी बोला, इससे पहले बोला था, देखो बेटा यहाँ पे आपको 7 tenths देखे हैं, दैट मीन्स वंस प्लेस पे कुछ नहीं है, वंस प्लेस पे जीरो है, दैट इज नथिंग. टेंथ्स पे 7 tenths मीन्स ये डेसिमल के इस साइड में है, दैट इज 7 is on 10th. और हंड्रेड्स पे कोई नहीं है, दैट इज डेसिमल इसका क्या है, 0.7. नाउ इज 67 hundredths, दैट इज जीरो यहाँ पे है, टेंथ्स पे 6 है ना, हंड्रेड्स पे 7 है, एंड डेसिमल इज 0.67. उसके बाद है 1 and 5 tenths, दैट मीन्स 1 यहाँ पे है ना, एंड 5, दैट इज डेसिमल क्या है इसका, 1.5. उसके बाद है 2 and 8 hundredths, दैट मीन्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे टेंथ्स पे कुछ नहीं है, तो 0, हंड्रेड्स पे 8 है, दैट इज 2.08. ओके, 8 and 90 hundredths, ओके, सो इट इज 8 एंड नथिंग इज एट टेंथ प्लेस, सो 0, देन इज 9. ओके, सॉरी, देयर इज 9 एंड देयर इज 0, इट इज 8.90. ओके, देन इज 4 and 55 hundredths, इट्स देयर 4, देयर इज 5, देयर इज ऑल्सो 5 एंड 4.55. इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द एक्सरसाइज 8B. होप यू गॉट इट. फी अमानिल्ला, टेक केयर.